और आज विदा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विदाई तो एक प्रथा है कि पप्पा की करनी होती है, और विदाई करने के बाद अगर आज विदाई करेंगे तो अगले साल वो फिर उसी हर्षोल्लास से वापस आएंगे। तो जिस प्रकार वो आए थे उसकी खुशी थी, तो थोड़ा दुख तो है अगर पप्पा जा रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं कि साथ फिर वो हंसी खुशी वापस आएंगे। अभी हाल ही में सबरंग समारोह हुआ, आपने परफॉर्म किया, सीमा जी वगैरह साथ में सब लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? ये सब पापा का आशीर्वाद है कि हम लोग आप परफॉर्म करते हैं। सीमा जी एक बहुत अच्छी नृत्यांगना है, ये सब जानते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ परफॉर्म करते हुए हमेशा एक लगता है कि हम लोग पार्टी के मूड में हैं, पार्टी कर रहे हैं। सबरंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वो भी पापा की कृपा है कि हमेशा वो अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हमने पूरा प्रयास किया कि यहाँ पर आगे आए। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? योगेंद्र जी जी, सबको पहले तो मेरे तरफ से प्रणाम, और गणपति बप्पा मौर्या के जगह पर आए हैं उनको सब सब नमन करते हैं। और मैं सर बताना चाहता हूँ, खुशी का दिन है कि जो आज हम लोग जगह पे आज मौजूद हुए हैं। धनंजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सीमा जी ने जैसा बनाया कि फ्रेंड है, मुझे बहुत बड़ी फ्रेंड है, बहुत फ्रेंड है, और उन्होंने पहली बार यहाँ पे रखा, उन्होंने गणपति बुलाया था घर पे, और गणपति बप्पा जहाँ भी आते हैं सब कुछ मुझे मंगल ही करते हैं, और कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो पप्पा के मन से और पप्पा के आह्वान करके ही करते हैं। तो पप्पा जैसे इस बार आए, अभी विदाई कर रहे हैं, थोड़ा दुख है, थोड़ा दर्द है, लेकिन पप्पा कभी भी जाते हैं तो खुशियाँ जितनी खुशी देख लेके आते हैं उतनी खुशियाँ दे के जाते हैं, और साल भर हमें इंतजार रहता है अगली बार आने का। तो कोशिश करेंगे अगली बार पप्पा इससे ज़्यादा दिन के लिए आए और सारी खुशियाँ लगे, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।